मुलायम सिंह यादव की गिनती राजनीति के बड़े चाणक्यों में हुआ करती थी। इनके समर्थक प्यार से इन्हें नेताजी कहकर पुकारा करते थे। ये राजनीति की वो बड़ी हस्ती थे जिनका नाम विरोधी नेता भी बा अदब लिया करते थे। जीवन भर समाजवाद के सिद्धांतों पर चलने वाले मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक छोटे से गांव सैफई में हुआ था। इनके पिता सुघर सिंह पेशे से एक किसान थे। 5 भाई बहनों में मुलायम सिंह दूसरे नंबर के थे। एक भाई उनसे बड़े जबकि 2 भाई और 1 बहन इनसे उम्र में छोटे थे। दरमियाना कद लेकिन बलिष्ठ बदन वाले मुलायम सिंह बचपन से ही पहलवानी किया करते थे, लिहाजा इनके कुछ करीबी मित्र इन्हें प्यार से पहलवान भी कहा करते थे। पेशे से शिक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की राजनीति में भी खास रुचि थी। मुलायम सिंह यादव ने हालांकि अपने खुद के राजनीतिक दल के गठन में बेशक कुछ देर लगाई लेकिन उसमें उन्हें खूब सफलता भी मिली। अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी खूब आवाज बुलंद किया था। वो 80 के दशक का दौर था जब मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक उस्ताद चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ आवाज बुलंद किया करते थे। इसके लिए वो कांग्रेस की खूब आलोचना और मुखर बयानबाजियां भी किया करते थे। हालांकि वो बात अलग है कि आगे चलकर वे खुद भी परिवारवाद के आरोपों से घिरे रहे। उस दौर में राष्ट्रीय लोकदल में मुलायम सिंह यादव का जबरदस्त असर था लेकिन जब चौधरी चरण सिंह ने पार्टी की कमान अपने बेटे अजीत सिंह को थमा दी तो इस बात से मुलायम सिंह बेहद नाराज हुए। फिर यहीं से पैदा हुआ उनकी अपनी खुद की अलग पार्टी बनाने का विचार जिसका नाम रखा गया समाजवादी पार्टी। अब तक लोकदल में रहते हुए वे जिन पिछड़ों दलितों किसानों और मजदूरों की आवाज बुलंद किया करते थे उसे वे अब एक अलग मोड़ देने जा रहे थे। 4 अक्टूबर 1992 वो दिन था जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। उनकी इस नई शुरुआत को जबरदस्त सफलता मिली। कुछ सालों में ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसने अपनी धाक बना ली थी। इसका ऐसा असर था कि मुलायम सिंह अपने पूरे जीवन काल में 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे 5 दिसंबर 1979 से 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वे केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। 1996 में जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई तो एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वे रक्षा मंत्री बनाए गए थे। ये राम मनोहर लोहिया के समाजवाद पथ पर जीवन भर चलते रहे। हालांकि ये राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए भी विरोधी नेताओं के बयानों में छाए रहे। तीसरे मोर्चे की चर्चा चुनावी दौर में जब जब होती तब तब मुलायम सिंह का नाम इसमें सबसे पहले लिया जाता था। जाति वर्गों और धर्मों के ताने बाने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मुलायम सिंह यादव ने अपने अंदाज में साधा था। वे जहां यादव समाज के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे तो प्रदेश के दूसरे पिछड़े वर्गों ने भी उनका खूब समर्थन किया। इतना ही नहीं, यूपी में कभी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक समझे जाने वाले मुस्लिम समाज का झुकाव भी उन्होंने काफी हद तक अपनी ओर कर लिया था जिसका फायदा चुनावों में उन्हें खूब होता रहा। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल और समझ का परिचय दिया था। उनके पद चिन्हों पर अब उनके पुत्र अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं और उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।